और मेरी चैनल फैशन लाइफ है आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है कि विंटर में हम कैसे स्टाइल बन करके हम मैरिज फंक्शन जा सकते हैं, मैरिज फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, विंटर में किस तरह का स्टाइल कर सकते हैं और हम अपने बॉडी को ठंड से बचा सकते हैं। तो जैसे अभी धीरे धीरे स्लोली विंटर शुरू हो रहा है तो उसके हिसाब से अगर आपको स्वेटर जैकेट अभी मैरिज फंक्शन में पहन के जाना पसंद नहीं है तो आप इस तरह का स्टाइल बना के जा सकते हैं, थोड़ा सा ठंड से आपको राहत मिलेगा। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जितना भी हो आप अंदर में इनर पहन लिए, थर्मल इनर जरूर पहनिए क्योंकि थर्मल इनर हमारा बॉडी को वार्म रखने में मदद करता है। तो आजकल बहुत ब्रांड का थर्मल वेयर आते हैं जैसे कि जॉकी, लेक्स, जॉकी लॉक्स, ये सब का आता है। तो आप कोई भी अच्छे से ब्रांड का आप एक स्लीपलेस थर्मल इनर खरीदिए, वो पहनिए और लोअर में आप लेगिंग्स या फिर थर्मल इनर लेगिंग्स का वो पहन यूज कर सकते हैं। तो इससे हम अगर स्वेटर या फिर जैकेट ना पहने तो भी हमें ठंड से मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर वन में पहले स्टाइल है कि आप किस तरह का ब्लाउज पहन के जाए। आप पेप्लॉन अगर लहंगा पहन रहे हैं तो लहंगा के साथ आप हाई नेक पेप्लॉन टॉप यूज कीजिए, फुल लेंथ का स्लीव, फुल लेंथ स्लीव और हाई नेक पेप्लॉन टॉप आपका लहंगे को चार चांद लगा देगी और बहुत स्टाइलिश लुक आएगी, बहुत सुंदर लगेगी और आपसे ठंड से बच भी सकते हैं क्योंकि आप तो अंदर इनर पहनेंगे, थर्मल वेयर पहनेंगे जरूर, तो बाहर भी आप ऐसा स्टाइल करेंगे तो आपका फुल लेंथ स्लीव लेंथ का आपको फुल लेंथ स्लीव आपको बहुत मदद करेगा ठंड से बचने के लिए और आपका बहुत स्टाइलिश लुक भी आप दिखाई देंगे। तो इस तरह का आप कपड़ा पहन के आप पार्टी या फिर फंक्शन अटेंड कर सकते हैं क्योंकि ठंड लग रहे है तो मेरे सीजन तो नहीं रुकने वाला है ना, मैरिज तो सीजन तो आ गया है तो फिर अभी बहुत सारे मैरिज भी हो रहे हैं और ऐसे में लेडीज लोगों का थोड़ा सा रहता है कि स्टाइल बन के अच्छा सा लुक दे के अटेंड करें तो आप इस तरह का पहन के जा सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए ऐसे पिक्चर में हाई नेक पेप्लॉन टॉप और लहंगा के साथ मैच करके प्यार करके आप स्टाइल करके जा सकते हैं। फिर नंबर टू में आप कुर्ती लेंथ का पेप्लॉन टॉप यूज कर सकते हैं, ये भी आप फुल स्लीव में यूज कीजिए क्योंकि फुल स्लीव में और जितना हो सके आपका लेंथ थोड़ा सा ऑर्डिनरी ब्लाउज के लेंथ से, जैसे कि हम नॉर्मल दिनों में ब्लाउज यूज करते हैं उसके लेंथ से आपका ये विंटर का ब्लाउज थोड़ा सा लेंथ में लंबा हो, बड़ा हो ताकि आपका इनर दिखाई ना दे और आपका ठंड से बच सकता है। तो आप इस तरह का पेप्लॉन टॉप, कुर्ती स्टाइल का पेप्लॉन टॉप के आप पहन के जा सकते हैं कुर्ती लेंथ में। तो उसके ये आप लहंगा के साथ पहन सकते हैं या फिर आप लहंगा स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट के साथ भी मैच करके कोई भी टॉप पहन के जा सकते हैं जैसे कि इस पिक्चर में, और साइड में आप दुपट्टा दे सकते हैं। लेकिन मेरे फंक्शन में ज़्यादा रहता है कि थोड़ा सा गर्जेस, थोड़ा सा शाइनिंग वाला कपड़ा थोड़ा अच्छा रहता है तो आप बनारसी सिल्क या फिर वेलवेट का ऐसे कोई भी मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये था पेप्लॉन कुर्ती का टॉप। फिर नंबर थ्री में आता है आप कोई भी हाई नेक पेप्लॉन टॉप यूज कर सकते हैं, हाई नेक पेप्लॉन टॉप और फुल स्लीव का, ये आप आपका बनारसी सिल्क का या फिर वेलवेट का आप कोई भी अच्छे से ये का आप हाई नेक बना के आप कर सकते हैं। तो फिर आपका नंबर फोर में आप साड़ी के साथ एक एसिमेट्रिकल पेप्लॉन टॉप, आप पेप्लॉन ब्लाउज आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में देखिए आपका कैसा लग रहा है, ये एक पार्टी वेयर साड़ी है, इसके साथ कोई अच्छा सा सिंपल सा साड़ी भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे कि हम शादी अटेंड कर रहे हैं तो नॉर्मल जैसे कि सिंपल साड़ी वो डेली वो तो यूज नहीं कर सकते ना, थोड़ा सा अच्छा वाला साड़ी यूज करके मैरिज फंक्शन में जाएंगे। तो ब्लाउज आपका
ऐसा रहेगा, फुल लेंथ स्लीव का रहेगा, तो ये साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ये ब्लाउज आप देखिए इस पिक्चर में, ऐसा वाला आप करके स्टाइल करके जा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कॉलर थोड़ा ब्राइट होगा तो और भी अच्छा, क्योंकि नाइट में अगर फंक्शन है तो थोड़ा सा ब्राइट कलर अच्छा रहता है, ऐसे आप स्टाइल करके जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉलर वाला जैकेट, पीटर पैन का कॉलर वाला जैकेट, जो ये क्या है कि आपको सिल्क साड़ी के साथ बहुत अच्छा लुक देता है। और ये कॉलर ऐसा रहता है कि आपको ठंड के बचने साथ आपको पुराने स्कूल वाला दिन भी आपका याद आ जाएगा। तो ये क्या है कि बहुत अच्छा लुक देता है और सिल्क साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप इसको बनारसी लहंगा के साथ बना के, बनारसी लहंगा के साथ इसको आप जैकेट ब्लाउज के साथ स्टाइल करके प्यार करके पहन सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में क्या है। तो कैसे आप साड़ी के साथ इसको पहन सकते हैं या लहंगा के साथ आप इसको करें मैच करके प्यार करके पहनेंगे, यहाँ पर मैं पिक्चर में दे दूँगी, आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको ऐसा स्टाइल करके आप जा सकते हैं। तो ये था एक और स्टाइल। तो फिर नेक्स्ट में आता है आपका, जैसे कि आप साड़ी के साथ फुल स्लीव क्लोज नेक का आप ब्लाउज यूज कर सकते हैं। आपका बैक और फ्रंट का नेक आप क्लोज कीजिए, यहाँ तक के लाइए, क्लोज कीजिए। फिर आप फुल स्लीव तो जरूर बनाना है और लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाने वेस्ट लेंथ तक कीजिए। तो और फिर इसको आप सिल्क साड़ी के साथ या कोई फैंसी साड़ी के साथ इस तरह का ब्लाउज बना के आप पहन सकते हैं, जैसे कि ये पिक्चर में बनाया है। आप देखिए बहुत आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप तो अंदर थर्मल वेयर पहने हैं, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठंड के लिए कोई चिंता भी नहीं है। तो ये भी आप इस तरह का स्टाइल करके भी आप जा सकते हैं। फिर आपके पास आता है कि वेलवेट का सिल्क, वेलवेट आप वेलवेट का ब्लाउज और या फिर सिल्क का ब्लाउज, ये ज़्यादा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वेलवेट और सिल्क का कपड़ा आपको ठंड से बचाता है। ये थोड़ा सा हैवी रहता है, तो ये क्या है कि आपको ठंड होने से बचाता है, ये ज़्यादा थोड़ा सा बॉडी को गर्म रखता है, इसीलिए वेलवेट या सिल्क का कपड़ा जितना चाहे विंटर में पहनिए, स्टाइल बना के जाइए, ऐसे कपड़ों से आप स्टाइल बना के जाइए। तो आप वेलवेट कपड़े का भी प्यार करके, लहंगा वेलवेट का और ब्लाउज भी वेलवेट का ऐसा प्यार करके आप पहन के स्टाइल बना के जा सकते हैं। बहुत अच्छा वाला मटेरियल मिलता है, चाहे आप स्टिच करवा सकते हैं या फिर आप रेडीमेड भी खरीद सकते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे वेलवेट का प्यार करके जा सकती है लहंगा के साथ, या फिर वेलवेट का बोट नेक का ब्लाउज करके आप साड़ी के साथ प्यार करके जाएंगे। देखिए ये पिक्चर में देखिए, ऐसे आप साड़ी के साथ वेलवेट का ब्लाउज, बोट नेक का ब्लाउज करके प्यार करके जा सकते हैं। लेकिन आपका कोई भी आप कीजिए, आपका नेक थोड़ा सा क्लोज होना चाहिए, ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए विंटर में, और आपका स्लीव फुल रहना चाहिए, और आपका ब्लाउज का वेस्ट का लेंथ थोड़ा नॉर्मल लेंथ से विंटर में थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, ताकि आपको ठंड से बचा सकते हो और आपका थर्मल वेयर जो आप अंदर पहने वो दिखाई ना दे। तो ये कर सकते हैं आप वेलवेट का वी शेप और वी शेप का ब्लाउज लहंगा के साथ आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप वी शेप का ब्लाउज आप साड़ी के साथ कर सकते हैं, और फिर आप जैकेट ब्लाउज यूज कर सकते हैं। ये भी अगर ज़्यादा आपको ठंडा लगा तो आप साड़ी के ऊपर भी जैकेट यूज कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं इस तरह का पूरा डिटेल में आपको यहाँ पिक्चर में लगा के दिखा दूँगी, आपको बहुत जानने में ये होगा, आसान होगा। तो आप इस तरह का स्टाइल बना के जा सकते हैं। आपका ब्लाउज का थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए और आपका लहंगा का कपड़ा सिल्क हो या वेलवेट का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो थोड़ा सा हैवी, ज़्यादा हैवी नहीं, सिल्क का रहना चाहिए, वेलवेट का रहना चाहिए, या लहंगा बना रहे तो ये भी बनारसी सिल्क या फिर कोई दूसरा साउथ सिल्क, ये सिल्क में होना चाहिए। बहुत अच्छा अच्छा सिल्क मिल रहा है, आप ऐसे बनाएंगे तो लहंगा का ब्लाउज के साथ तो बहुत अच्छा लुक देगा। तो हर
स्टाइल का मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी। और आपको पता है अगर साड़ी या फिर लहंगा पहन रहे या फिर लॉन्ग स्कर्ट पहन रहे तो उसको मैच करके तो हमें जरूर ज्वेलरी पहनना पड़ेगा, तो वो भी आप मैच करके थोड़ा सा लुक अपने हिसाब से थोड़ा सा ज्वेलरी भी पहन सकते हैं। और आपको कितना ठंडा लग रहा है उसके हिसाब से आप सॉक्स और सैंडल भी पहन सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे साड़ी या लहंगा कैसे स्टाइल करके पहनना है यहाँ पे हाथ पिक्चर लगा दूंगी, आपको थोड़ा आसान होगा। और इस वीडियो में मैंने यही बताया है, आप वीडियो पहले से और लास्ट तक देखिए, आपको पता चलेगा विंटर में कैसे आप स्टाइल करके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अभी विंटर आ रहे हैं और विंटर के लिए तो ठंड के लिए तो मेरे फंक्शन ये सब तो बंद नहीं होने वाला है ना, तो ये तो अटेंड करना जरूरी होता है। तो आप ये ज़रूर देखिए, फास्ट से लास्ट तो देखिए, और अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों आप लाइक नहीं करते, लाइक आप देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मूल्य है, आप ज़रूर लाइक करना। फिर नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के पास आऊँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।